क्या आपने कभी लाइफ में डव सोप को एज अ फेस वॉश अप्लाई करके देखा है अपने चेहरे पे? आज के वीडियो में मैं बताऊंगी अपना एक्सपीरियंस. मैंने इसको एज अ फेस वॉश अप्लाई किया है 7 दिनों तक. Hi guys, welcome to my channel Shinny Roops. कैसे हो आप सब guys? Hope you guys are doing very very well. उसी के साथ आज का ये वीडियो शुरू करते हैं. उम्मीद हमेशा यही रहनी चाहिए ना कि हम सब लोग अच्छे हैं और अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं, which is very very important आज के डेट में एटलीस्ट. Guys, आज के वीडियो में कुछ अलग करते हैं. क्या आपने कभी लाइफ में डव सोप को एज अ फेस वॉश अप्लाई करके देखा है अपने चेहरे पे? डव सोप को ब्यूटी बार कहा जाता है. उसके में बड़े बड़े अक्षर में लिखा है कि डव इज नॉट अ सोप, इट इज अ ब्यूटी बार. तो ऐसा कुछ कहा गया है. तो क्या आपने कभी लाइफ में इसको इस्तेमाल किया है या फिर आप इस्तेमाल करते हो? आज के वीडियो में मैं बताऊंगी अपना एक्सपीरियंस. मैंने इसको एज अ फेस वॉश अप्लाई किया है 7 दिनों तक. फेस वॉश को स्किप किया था, डव को इस्तेमाल किया था. ये देखना चाहती थी क्या 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 चेंजेस आते हैं. ओनली 10 रुपीज इसका प्राइस है, विच इज वेरी वेरी पॉकेट फ्रेंडली. लेट्स गेट इनटू द वीडियो. तो जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, नॉट इवन कॉलेज, जब मैं स्कूल में थी उस टाइम पे डव लॉन्च हुआ था. आई रिमेम्बर उस टाइम इसका प्राइस था 40 या फिर 50 रुपीज. उसके बाद इसका प्राइस हो गया 30, देन अभी इसको 10 रुपीज का मिनी बार कर दिया गया है. और ये यहाँ पे आप डव सोप को देख सकते हो अच्छे तरीके से सामने से. अगर आपने कभी भी डव सोप को इस्तेमाल नहीं किया है तो इसमें एक बर्ड का पिक्चर दिया हुआ है और दिनों का फुटेज आप देख लेना और कंपेयर कर लेना अपनी खुद की आंखों से कि पहले दिन और लास्ट दिन में क्या क्या चेंजेस आए हैं. तो अभी मैं यहाँ पे आपको इसके प्रोज के बारे में बताऊंगी एंड आफ्टर दैट आई विल टॉक अबाउट कॉन्स. सबसे पहला प्रो तो इसका ये है कि डव सोप जो है ये 10 रुपये में मिलता है, विच इज वेरी वेरी पॉकेट फ्रेंडली. तो किसी कोई भी इसको खरीद सकता है. एंड सेकेंड थिंग इज ये बहुत ही छोटा सा है, तो चेहरे के साथ साथ आप इसको पूरी बॉडी में भी लगा सकते हो. मैंने भी लगा के देखा है, विच इज़ वेरी गुड. और तीसरी चीज़ ये है प्रो इसकी कि येस, इसको हम एज अ फेस वॉश इस्तेमाल कर सकते हैं. चौथी चीज़ मैंने इसका ये नोटिस किया है, ये चेहरे को सच में बहुत अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज करता है. पांचवी चीज ये है कि इसको लगाने के बाद जब मैं चेहरे को वॉश करती हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि ये मेरा चेहरा थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट हो गया है. तो ये कुछ इसके प्रोज है. और ये जो प्रोज है ये सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि ऐसे बहुत सारे ब्यूटी सोप्स हैं जिनमें ये प्रो पाया जाता है, तो डव में भी है वो. और अभी चलिए देखते हैं कॉन्स क्या क्या है डव में. तो सबसे पहला कॉन तो इसका ये है, इसका जो चेहरे का जो ग्लो आता है वो सिर्फ आधे घंटे तक या फिर हार्डली 1 घंटा तक रहता है. उसके बाद चेहरा एज इट इज हो जाता है. मतलब इससे आप चेहरे पे जो ग्लो मिलता है, मेरे केस में हुआ था, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है. दूसरी चीज, मेरा स्किन ऑयली है तो ऑयली स्किन के ऊपर जब मैं इसको लगाती हूँ 1-2 घंटा तक ठीक रहता है, उसके बाद मेरा चेहरा फिर से ऑयली हो जाता है. शायद डव में एक ऐसा एक लेयर है, एक चिपचिपा टाइप का लेयर है जिसको लगाने के बाद चेहरे पे मुझे थोड़ा सा स्टिकनेस फील हुआ, विच इज आई थिंक नॉट गुड फॉर ऑयली स्किन टाइप लाइक मी. मैंने जब इसको लगाया तो उसको लगाने के बाद मेरा चेहरा थोड़ा सा चिपचिपा हो रहा था. एंड उसके बाद मैंने एक चीज नोटिस किया कि मेरे चेहरे पे थोड़े से इचिंग भी हो रहे थे. तो ये था इसका कॉन. अगर हम इसको विंटर के टाइम पे लगाते हैं, लाइक ड्राई स्किन वाले हैं और उनका स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो गया है, तो सर्दियों के समय उनका स्किन तो और भी ज्यादा ड्राई हो जाता है. तो उस केस में सर्दियों के समय फेस वॉश को स्किप करके डव सोप को अप्लाई करना इज अ वेरी गुड चॉइस. इवन आई थिंक ड्राई स्किन वाले समर के टाइम पे भी इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं. ड्राई स्किन के लिए इट इज अ वेरी गुड वन. बट फॉर ऑयली स्किन कभी कभार मुझे ये लगता है कि ये चेहरे को ओवर मॉइस्चराइज कर देता है. अगर फेस वॉश हम लगाते हैं तो चेहरा इंस्टेंटली ड्राई हो जाता है, और अगर मैं डव को लगाती हूँ तो चेहरा इंस्टेंटली मॉइस्चराइज तो हो जाता है बट बाद में थोड़ा ऑयलीनेस मुझे फील होता है, तो उस टाइम पे मुझे फिर से चेहरे को वॉश करना पड़ता है. तो इसको लगाने के बाद मेरे चेहरे पे 1-2 जगह पे पिंपल का भी प्रॉब्लम दिखा. यहाँ पे ना थोड़े बम्प आ गए थे, मतलब फूल गया था मेरा चेहरा सडनली, आई डोंट नो व्हाई. और यहाँ पे आप अगर आप देखोगे, आई डोंट नो कि आपको दिख रहा है कि नहीं, यस दिस वन, कि मैंने डब को लगाना बंद कर दिया है तो अभी ये ठीक हो गया है. सो गाइज, ये एक अच्छा सोप है, 10 रुपये में, बजट फ्रेंडली है. और अगर आप चेहरे पे हार्श फेस वॉश अप्लाई नहीं करना चाहते हो,
you can give it a try. It is a very good one for dry skin. It's a good thing for oily and combination skin. I think आप लोगों को एक बार इसको try करके देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसको apply कर सकते हो. अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या आप इसको बाद में future में apply करोगे, yes I'll definitely apply it. और ये मैं सर्दियों के समय इसको apply करूँगी. So guys, ये था मेरा आज का video डब soap के ऊपर. I hope you have enjoyed this video. और कोई भी सवाल है इस product को लेकर, you can ask me in comment section below. मैं आपके सवालों के जवाब देती रहती हूँ. और आज के लिए बस इतना ही. बहुत जल्दी और एक वीडियो लेकर मैं फिर से हाजिर होंगी. तब तक के लिए बाय बाय.